राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे भक्त के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी सहायता स्वयं श्री कृष्ण ने की थी। तो क्या है वो कथा और कौन है वो भक्त, आइए जानते हैं। एक बार की बात है, सनातन गोस्वामी सरोवर के किनारे जंगल में एकांत स्थान पर अपना भजन कर रहे थे। वो भोजन और दूध से उपवास भी कर रहे थे। ईश्वर सभी जीवों में स्थित है, वो सभी जीवों का पोषण करते हैं, वे सब कुछ समझ सकते हैं। श्री कृष्ण ने सोचा, मेरा भक्त तो भूख से मर रहा है, मैं इसे सहन नहीं कर सकता। उस वक्त श्री कृष्ण एक गोप के पोशाक में जाते हैं और दूध का एक बर्तन लेकर जंगल में प्रवेश करते हैं, जहाँ पर सनातन गोस्वामी भजन कर रहे थे। श्री कृष्ण कहते हैं, बाबा मैं आपके लिए दूध लाया हूँ। सनातन गोस्वामी ने कहा, मेरे लिए तुम दूध क्यों लाए, आप ठीक से खा नहीं रहे थे इसीलिए। सनातन गोस्वामी ने कहा, आप कैसे जानते हैं मैं ठीक से नहीं खा रहा हूँ। गोप ने कहा, यहाँ से कई सारे गोप गए, उन्होंने मुझे बताया कि आप ठीक से नहीं खा रहे। इस पर सनातन गोस्वामी कहते हैं, तो वे लोग क्यों नहीं आए, तुम क्यों आए। श्री कृष्ण ने कहा, वे बहुत जल्दी में थे, उनको घर जाना था इसीलिए मैं आया। सनातन गोस्वामी कहते हैं, अरे छोटे लड़के, तुमने इतना कष्ट क्यों ही किया। श्री कृष्ण ने कहा, नहीं नहीं बाबा जी, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। सनातन गोस्वामी ने कहा, लाला यहाँ बैठो, मैं दूध खत्म कर दूंगा, तुम अपना बर्तन वापस ले जाना। श्री कृष्ण ने कहा, नहीं बाबा, मैं आपके साथ नहीं बैठ सकता, मुझे गाय का दूध निकालने जाना है, मैं कल आऊंगा और बर्तन ले जाऊंगा। ये कहकर वो बालक जो श्री कृष्ण स्वयं थे वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ये देखकर सनातन गोस्वामी स्तब्ध रह गए, वो समझ गए कि श्री कृष्ण का ही ये काम था। जैसे ही उन्होंने दूध पिया, उनके आंखों से अश्रु आ गए। उस दिन से सनातन गोस्वामी ने ये निश्चय किया कि मैं कभी भी खाली पेट भजन नहीं करूंगा, ताकि मेरे प्रभु को कष्ट ना हो, उन्हें आना ना पड़े। तभी से सनातन गोस्वामी अलग अलग निवासियों से थोड़ा थोड़ा भोजन स्वीकार करते थे और धीरे धीरे वृंदावन के निवासियों ने उनके रहने के लिए कुटिया भी बना दी। दोस्तों, इस प्रकार श्री कृष्ण अपने सच्चे भक्त की हर रूप में सहायता करते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर लिखें। हरे कृष्णा।